कहना है मेरा यही दुनिया से झुकना पड़ेगा मेरे कदमों पे। सबको हिलाऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा मैं, झुकना पड़ेगा मेरे कदमों पे। आसमां पे जाना है, नाम भी कमाना है, सबको नचाना है, कोई रोके ना मुझे। होगी यारों होगी अपनी एंट्री, जमी होगी हमी पे निगाहें वहाँ। अपना जमेगा रंग, अपना नया है ढंग, हम साथ दुनिया में है ही कहाँ। पर ये नहीं पता, कोई दे हमें बता, कल को किसने जाना है, क्या कोना क्या पाना है। हुआ मैं, 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 हुआ मैं। आने वाले कल को तो जाना है ना कोई यारो, मैं तो ये बिचारू नहीं हूँ। आने वाले कल को तो जाना है ना कोई यारो, मैं तो ये बिचारू नहीं हूँ। कोई तो बता दे मुझे हूँ, सोचू मैं तो बैठे बैठे हूँ। जिंदगी में जाने क्या हो, कल हम जाने कहाँ हो, जाएंगे हम भी तो यारो दुनिया पे। चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, हिंद की दहाड़ हो, हम कभी। ए मुकुंदलाल, मालिक ने बोला है तू आएगा नहीं। क्यों नहीं आऊंगा, चलो आता हूँ। लगता है तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया, समझा गया? मालिक के पैसे का ब्याज कब देगा? बोलता क्यों नहीं कब देगा? असल तो हम दे चुके हैं, और क्या बाकी है। ए लक्ष्मी, तेरी जुबान बहुत चल रही है, अगर तुझे जुबान चलानी है तो मालिक के सामने आकर चला। सुन बुड्ढे, अगर पैसा लेकर मालिक के सामने नहीं आया तो घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा, तुझे नहीं तेरे पोते को। आइए, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे छोटे सवाल के, आज मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, इसके लिए आया हूँ। सरोजा को बुलाओ। तुम जानते हो सरोजा का रेट ज्यादा है, 5,000 दोगे? थोड़ा कम कर दो ना। 500 दे दो, मैं ही चलती हूँ। मुझे सरोजा ही चाहिए। सरोजा को बुला। सरोजा। क्या रे? अब कब तक ऐसे बैठा रहेगा? यहाँ क्या करने आया है?
मैं हूँ कस्तूरी। हाँ आ रही हूँ। गोपी का फोन है। क्या रे, इसका हुआ कि नहीं? अभी तो शुरू भी नहीं किया। हाँ बोलो। क्या बात है डार्लिंग, फोटो में तेरा फिगर और शेप देखकर तो सभी पागल हो गए हैं। यहाँ तेरा मार्केट बन गया है। अरे गोपी, ए क्या सुन रहा है? चल बोल। कल 31st नाइट के लिए दो लड़कों ने तुझे बुक किया है, 40,000 रुपए दिए हैं। क्या बोलती है? सच में? नया साल, नया बिजनेस, नया ग्राहक, मजा आ जाएगा। तू अपना सामान पैक कर लूं क्या? और क्या, जल्दी से आ जा, तेरा मार्केट यहाँ बन गया है यार। ठीक है, मैं रात की ट्रेन पकड़ रही हूँ, तू सुबह स्टेशन लेने आ जा। यहाँ के बारे में रानी को कुछ मत बताना। ए? मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। बच्चा है अभी। मुझे तो लगता है तेरी बिरादरी का है। फिर मिलते हैं। ठीक है भाईजान। हाँ जारा। डॉक्टर मैडम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मिस्टर रहीम, आप पापा बनने वाले हैं। या अल्लाह। माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू डॉक्टर। और एक जरूरी खास हाँ। बात, जारा एक बार पहले भी बच्चा खो चुकी है, पर इस बार आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके? यस डॉक्टर। एनीवे कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक यू डॉक्टर। जारा से थोड़ा बात करवाइए ना। जारा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रहीम भाई, ओ रहीम भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है, रुके ना। अब तो कोई शिकायत नहीं। भाई मैं नसीर से मिला। रहीम, हेलो रहीम। हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ। बाद में फोन करता हूँ। क्या? हाँ भाई, मैं उससे सच में मिल चुका हूँ। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में? उसे चेन्नई मेडिकल कॉलेज के पास एक साइकिल की दुकान में काम करते हुए देखा है। चेन्नई में देखा? हाँ भाई। बताओ, अभी ढूंढो उसको, अभी बनता है मेरे को। केबल राजा उधर पूछ। पता क्यों नहीं? तुम देखा? तुम? अरे छोड़ो ना, अरे मेरा कपड़ा फट जाएगा, कल ही तो मार्केट से मैंने नया खरीदा। अरे भाई छोड़ो यार, क्या कर रहा है। सलाम भाई, हाथ पकड़ के रखेगा तो पैर से सलाम करेगा ना। सलाम भाई। भाई ये नाखून काट रहे हो क्या? कलेक्शन का पैसा भिजवा तो दिया था। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके हाथ में आ जाएगा। भाई अरे आप राजा को नीचे कहाँ ढूंढ रहे हो? राजा को देखने तो ऊपर जाना पड़ेगा। अरे बेटा वो देख राजा। ए राजा। इतनी मेहनत करके यहाँ ऊपर तक आया था, साले ने यहाँ भी ढूंढ लिया। दादा सलाम। दादा आजा, नीचे आजा। अरे आप सिर्फ बोल देते तो मैं आ जाता, आपने क्यों तकलीफ की? जाओ रे पकड़ो उसे। साले बताते तो पकड़ने आ रहे हैं, ये तो हरामी है, इसके पिल्ले भी कमीने। किधर जाऊँ, कहाँ भागूँ, कैसे बचूँ इनसे? चलो पकड़ो साले, चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, जल्दी चलो। प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान, बचा ले। भगवान प्रसाद चढ़ाने जरूर आऊंगा। यहाँ भी आ गए। भाई, 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 भाई। अरे भाई से बोलने मेरी उंगली दर्द कर रही है। भाई अरे मैं तो आपको फोन करने ही वाला था। किया क्यों नहीं भाई? अरे तो तू भी तो कर सकता था ना। फोन करने के लिए बैलेंस नहीं था। इसको बता उंगली दर्द कर रही है। छोड़ छोड़ छोड़। दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? जब मेरी उंगली दबाई थी तो मुझे भी दर्द हो रहा था। ए राजा, वोट देने के 100 रुपए मिलते थे, वो भी नहीं मिलेंगे। 100 रुपए की पड़ी है, भाग यहां से। भाई मैं छोड़, मैं दर्द हो रहा है। गलती हो गई भाई। भाई अभी मैंने पैसे दे दूंगा। भाई मिलता हूं। ए ए पकड़ो रे उसे। Yeah.
दीदी हाँ? केबल का पैसा कब तक दोगी? अगले महीने दे दूंगी राजा। तो सास भी कभी बहुत ही अगले महीने देखना। राजा क्या कर रहे हैं? प्रिया का फोन है ना, तेरी आइटम है ना, फोन मैं बात कर लेता हूँ। देख ये मेरी लाइफ है। अरे मैं बात करूँ तो घिस जाएगी क्या? अभी बात करता हूँ तेरी। हे बेबी, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड? यहाँ बहुत शोर हो रहा है। Hey baby, what's up? Jogging? Are you coming to the party? Yeah, of course. जरूर आऊँगा। दौड़ना शरीर के लिए अच्छा होता है ना? दो तीन राउंड मारकर मिलता हूँ ना तुम्हें। I miss you too, baby. I'll call you back. My trainer is calling. Bye. चाची, तुम्हारे घर में चोर घुस रहा है। अरे छोड़ना मत। तो मेरे घर में चोरी करने आए हो? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आप कहाँ जाएगा? अरे रे, बहुत मारने वाले हैं। इन सालों की तो आदत है, पहले मारते हैं उसके बाद ये फैसला करते हैं। तुझे मारने के बाद फैसला करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पहले पकड़ेगा तब ना फैसला करेगा। मैं तो निकला। ये पाइप खत्म हो गया। ए राजा, पाइप केबल छोड़कर पाइप पर क्यों लटक रहा है? अरे ये केबल वेबल भूल जाओ, रस्सी फेंको। ठीक है पर अगले महीने के केबल का पैसा नहीं दूंगी। अरे बोल तो ऐसा रही हो जैसे पैसे बराबर देती हो। थैंक यू थैंक यू। भाई वो तो बंदर की तरह घर घर कूद कर भाग गया। हाँ भाई। भाई वो तो कूद के भाग गया लेकिन उसकी बाइक हाथ लग गई। भाई ये मेरी है, गाड़ी चल। चल चल इसको पूछ के देखते हैं। सर ऑफिसर जी। अरे तू कितने दिनों बाद, क्या बॉडी बना ली है यार तूने। सर आप तो एकदम अंदर हो गया यार। ए, तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है यार? अब तेरी इतनी तारीफ कर दी तो तेरी बाइक भी दे दे। ये बाइक नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं किसी को नहीं देता। अरे फिर बेशर्मों की तरह इसको सबके सामने नहलाते क्यों? मैं क्या इस एरिया में तुम्हें कोई बाइक नहीं देगा? गर्लफ्रेंड को कोई बाहर नहलाता है क्या? भगवान करे तेरी बाइक खराब हो जाए, कीड़े पड़ेंगे साले तेरे को, देख लेना। तो सुन बिड़ू, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कोई बाइक नहीं देने वाला। तू मन ही राजा मुझे छोड़ देना। एक काम कर दे यार, मुझे अर्जेंट गांव जाना है, मेरी बाइक घर पे पहुंचा देना। अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरा दूंगा। राजा आजा। हाँ, बिल्कुल अपनी गाड़ी समझ के लेके जाना। ये पेट्रोल तो डाला, टैंक फुल है भाई, टायर में हवा तो ठीक है ना? ठीक है ठीक है भाई, ब्रेक चेक कर लिया है ना, हेडलाइट भी ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल। राजा अपना काम तो हो गया, चल अब चलते हैं। चल चलते हैं। क्या लाइफ है। 100 × 10 = 1000। सर टोटल 1000 हुआ। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, जा जाके बैठ जा। अब कौन सवाल करेगा? सर मैं करूँ? क्या तू ही करेगा? और यहाँ पे किसी को गणित नहीं आती क्या? हाँ इसको देख के कुछ सीखो तुम लोग। मदनलाल का पोता कौन है, क्या करना है? ये है मदन का पोता। ए तू है, चल चल। हाँ ले चलो। अरे जो अरे इसको काले ले जा रहे तुम लोग। हाँ आ जाना। ए चल 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 मत कर। ए चल रे आवाज मत कर। ए चलो चलो फालतू की बातें मत करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक बुढ़ा आ रहा है। क्या रे इतने गुस्से से मेरी ओर बढ़ता आ रहा है, मुझे खा जाएगा क्या तू? आपके सामने मैं ऐसी जरूरत कैसे कर सकते हैं मालिक? अब तू मेरे सामने जुबान चलाएगा? मेरा पुराना हिसाब चुका दिया है क्या? ए इसको इसका हिसाब बता, बोल रहा है पैसे चुका दिया। मैंने तो सारा पैसा चुका दिया मालिक, ब्याज का सिर्फ 5-10 रुपए होगा। 5-10 रुपया होगा? ए
तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 50,000 तो ब्याज के होते हैं, तुझे हिसाब देखना है? ए, हिसाब दिखा इसको। हिसाब किताब देख के मैं क्या करूँगा? तो चुपचाप मेरा ब्याज चुका, समझा क्या? मालिक नहीं मालिक। ए पंकज देख तेरी माँ आई है। पंकज माँ। बेटा पंकज माँ। बेटे माँ। पंकज तूने खाना खाया क्या? हे भगवान तुझे इतने तकलीफ देने के लिए मेरी कोख से पैदा किया गया। चल बेटा मेरे पास क्या पहले मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दीजिए मालिक। 6 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। 6 महीने 5 महीने मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 3 दिन देता हूँ, तू मुझे मेरा पैसा वापस ला कर दे और अपना पोता यहाँ से लेकर जा, नहीं तो ये तेरा पोता जिंदगी भर यहीं सड़ता रहेगा, समझा? मेरा बेटा पढ़ने जाता है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इतने निर्दयी मत। पैसे लौटा देना, इस पर मेहरबानी करो, इसको यहाँ से ले जा। ए चल रे चल, काम कर रहा तेरे को, चल चल बेटी, रुक जाओ बेटी, ए चल तू बेटी मत कर, पैसे ले ले ना, ये अपने काम करने के लिए ले जा रहा हूँ, चल उतर ले बेटी, चल ले जा। अब तक तो हमने सिर्फ कॉलेज में परफॉर्म किया है। लाइव कॉन्सर्ट की तैयारी कर लो। What? We made it! Yeah! Yes! Guys, listen. कल शाम को चेन्नई में परफॉर्मेंस। चेन्नई में? Yeah, babes. कल मॉर्निंग फ्लाइट में हम जाने वाले हैं। Big shake, real crowd, live concert. We gonna rock! Woo! Yes! Big stage, real crowd, live performance. Your dream, huh? My life. राजा थोड़ी मदद करो ना। Coming. क्या भाई क्या ले जा रहे हो? आदमी जब मर जाता है तो इसी फ्रिज में रखते हैं। इसमें रखते हैं? डीलक्स मॉडल लगता है, सिर्फ पैसे वाले इसका इस्तेमाल करते होंगे। ठीक बोल रहे हो भाई। राजा क्या? अरे उठवा देने यार। कर दी ना। उठा। कौन मर गया? किसके लिए लेके जा रहे हो? पास में एक बुड्ढा मर गया है। अच्छा बुड्ढा? हम भी एक दिन इसी में जाएंगे। अरे हम गरीब लोगों की ऐसी किस्मत कहाँ जो इसमें चले जाएंगे। पैसे वाले लोग तो इसमें बर्फ डाल के लेके जाते हैं। दिखता अच्छा है लेकिन इसमें जाने के लिए पैसे वाला बनना पड़ेगा। क्या लाइफ है यार। चलो ए, चल भाई जल्दी चल। पता चलेगा। आई डोंट इवन लाइक हिम। नो आई एम नॉट मीटिंग हिम। एनीथिंग रॉन्ग बेबी? आई एम नॉट मीटिंग हिम मॉम। व्हाई द हेल इट डज हैपेंस टू मी ऑलवेज? What happened, baby? कनाडा के किसी जगह से आ रहा है, नाम कार्तिक है। कल रात की न्यू ईयर पार्टी में उसे जाके मिलना पड़ेगा। Then marriage, यार। Really? Oh God. तो अब हम क्या करें, बेबी? I have an idea. What? हम दोनों एक साथ उस पार्टी में जाएंगे। और फिर? I will introduce to everybody, babe. My mom, relatives, and everybody. अगर मैं तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आया तो? Why she won't like you? You're smart, you're so well educated, और तुम बहुत रिच हो। Yeah. और क्या चाहिए? Too much money shouldn't be a problem, right? Yeah. So what are you saying, baby? So, get 2 passes. Sure, baby. It won't be a problem. No, Raj. Hurry up. It's a premium party. There are very few passes. Hey, relax. I'll send my driver and get it. Raj, कल हमारी ज़िंदगी का सबसे important day है. Please take the passes. Don't baby, forget, baby. Don't worry. I'll take it. My baby. नसीर को घर छोड़े 3 साल हो गए हैं. वो कहाँ होगा? कैसा होगा? मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ ये बात सुनकर. नसीर बहुत खुश होगा ना? नसीर इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ भाभी? क्या कुछ नहीं, एक नहीं दो हैं, ट्विंस। मुबारक हो भाईजान। मुहिदला क्या हुआ भाईजान? मुहिदला सिगरेट पीने को मना किया था, फिर क्यों पिया तूने? अरे लास्ट टाइम अरे क्या जाने दो, कितनी बार। अरे जाने दो ना भाईजान, डाटी घर चलते चल। हां चल, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आओ
नसीर संभाल के जाओ। क्या कर रहे? ओए क्या बोला मैं? क्या है सब? हाँ जरा फिर से बोल तो। वो रंग फेंक रहा है। दारू भी है। नाचो, रंग क्यों फेंक तो भाई? इसके भाई की चाबी निकल भाई। अबे इसका चर्बी ज्यादा है। हम लोग नाच रहे, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चल उतर। मेरे मेरी वाइफ को रंग लगा रहा था भाई, रंग क्यों लगाते हैं? भगवान को गाली देता है। मारो इसको। नसीर नसीर प्लीज। सुनो मेरी बात। छोड़ो मेरे को। क्यों मार रहे हो इसे? सब गाली देता है भगवान को। इसने झगड़ा चालू किया। पहले इसी ने मारा सर। सर हमारे धर्म को गाली दे रहा था ये। ए, नाम क्या तेरा? रहीम सर। या? रहीमुद्दीन कुरैशी सर। ये मेरा भाई है सर। क्यों? दंगा करने आए हैं? नहीं सर, ये लोग मेरी वाइफ को रंग लगा रहे। सब साले एक जैसे ही है। निकल, दोबारा यहाँ दिखे तो खाल खींच लूंगा। निकल, चल निकल, निकलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ मत खड़े हो। चल 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 छाड़े, चल निकल। निकल चल। बोलो अकबर। वो चेन्नई में है यही पता चला है, उसको ढूंढना बाकी है। ठीक है, इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा। हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ब्याज के बदले मेरा बेटा पढ़ाई छोड़कर नमक के बाड़े में काम कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, कर्जा भी चुक जाएगा और बच्चा भी पढ़ लिख लेगा। मैं अभी आता हूँ। हेलो, नंदू बोल रहे हो? हाँ बोलो। शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। अरे बोलो ना। किडनी की बात करनी है, ओ पॉजिटिव है, आप क्या बोलते हो? बोलना क्या है, बहुत अर्जेंट है, चार दिन से मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ। ऐसा क्या? मुझे भी पैसे की जरूरत है। अगर इस डील में मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो। आप तो समझ रहे हैं ना मैं क्या चाहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, उसे तुरंत चेन्नई जाने वाली बस में बिठा दो, उसे 80,000 रुपए दे दूंगा। तुम क्या कहते हो? ठीक है, आप मुझे 80,000 रुपए दे देना, उसे जो देना है मैं दे दूंगा। तुम्हारी जो मर्जी वो करो। ठीक है जी। कल ऑपरेशन है सर, 1,00,000 रुपए तैयार रखना। बैठ जाओ बैठ जाओ। साहब जी, चेन्नई कब जाना है? बताता हूँ,
तुम्हारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, इसलिए तुम्हें पैसे कम मिलेंगे। भगवान ऐसा मत बोलिए साहब जी, मैं आप पर भरोसा करके आई हूँ, मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। सर इनका परिवार बहुत मुसीबत में है, पैसे की इन्हें बहुत जरूरत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप इनकी मदद कीजिए। सर 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 हाँ ठीक है सर, 40,000 देने को राजी हुए हैं। सिर्फ 40,000? बाकी पैसों के लिए हम घर गिरवी रख देंगे। ठीक है पिताजी, ठीक है साहब, हम तैयार हैं। वाओ! अबे जल्दी चल, अबे इधर देख, यहाँ पे पेंट के खड़ी है। चल मत कर, हम झोपड़पट्टी से नहीं है, ये सब हाई क्लास लोग हैं। अच्छा हाई क्लास है क्या, लेकिन सब लोग तो लो क्लास दिख रहे हैं यहाँ पर। How is this class? अरे मस्त दिख रहा है, चलना चलते। Can you please remove your hand and two steps back? Hey Raj, who's that? He's my driver. ए, क्या क्या बोला तू, टू व्हीलर का ड्राइवर हूँ मैं? ए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मुझे तेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, कम से कम पीआर मैनेजर तो बोलता है यार। Can you check me? Yes, ma'am. हम तो केरोसिन लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, पर ये पैसे वाले डांस करने के लिए भी लाइन लगाते हैं। क्यों भाई, ये लोग इतना सीरियस क्यों है? पैसे वाले कभी नहीं हंसते। ठीक है, ताली नहीं बजाएंगे, तारीफ नहीं करेंगे, कोई मारेगा तो रोएंगे भी नहीं। कैसे हैं ये लोग? ज्यादा बोल रहा है तू। अरे ये क्या? Excuse me, do you have any sense? Can you put your phone on silent, please? Mannerless people. You're welcome. Thank you. Hey, hi. How you doing? Good evening, sir. Can I have two passes? Yes, of course. On whose name? Raj and Priya. Just a moment, please. May I know how much, please? Each 19,999. And for a couple, 39,999 only. Only? Yes, sir. This is our premium party, so we have large buffet and 100-year-old wine. We also have belly dancing for entertainment and any special arrangements if you wish for your lover. हम लोग अगर एक महीना लगातार पिए तो कितना खर्चा होता है? एक महीना लगातार दारू पी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी 40,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो फिर वो फिरंगी एक रात नाचने के 40,000 कैसे मांग सकती है? ऐसे क्यों कर रहा है? Let me go. Don't you have any sense? Where is my BMW car? Sorry, girls. Don't mind. कौन है ये? मुझे नहीं पता। अब क्या करें? राजा मेरी बात ध्यान से सुन। फर्नांडिस दीदी न्यू ईयर मनाने बाहर गई है। उसके घर की चाबी मेरे पास है। 60 रुपए का केक ला, अपने गर्लफ्रेंड को लेके आ जा। तेरी अच्छी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। पार्टी के लिए अच्छा आइडिया है। देख दूंगा तेरी तो। चल। देख मुझे उस फिरंगी से जाकर किसी भी हालत में पास लेना ही पड़ेगा। मैंने गर्लफ्रेंड से वादा किया था, अगर मैं पास नहीं ले पाया ना तो मैं गया काम से। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, अब सोच के क्या करेगा? अब क्या करें क्या करें? बाइक बेच देते हैं तो हम दोनों को मरना पड़ेगा। मस्तान की बाइक है, उसको पता चला ना तो हम दोनों को केक की तरह काट के फेंक देगा। क्या लाइफ है यार, 40,000 रुपए। सिर्फ 1 रुपया कम है, 39,999 only। जलवा देखो मेहरबा, आज बनो तुम दिल के मेहमान। इस गलिया न हर रोज मेहरबा, तन मन अपना कर दूंगी कुर्बान। माल देखो ना मस्त है जवां, मन से करेंगे हम सेवा मेहरबा। जीना भी है यहाँ, मरना भी है यहाँ, सब कुछ मिलेगा तुम्हें यहाँ। ये तन कुर्बान, अंग अंग है जवां, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ले लो रे। फिर दोबारा ना मिलेगा मौका, मेहरबान आज बनो तुम
से चलता। मोटी नीले पीले और करो तुम ढीले, उसमें है मेरा महिना महिना, देखो ना मेरा सपना सपना, अंग दिखा दो रुक जा रुक जा, होश उड़ा दो रुक जा रुक जा, अब हम सब कुछ पल दो पल में आज यही पे खोल के रख देंगे, फिर दोबारा ना मिलेगा मौका, 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 ये जवानी दे दे हमको, ये जवानी दे दे हमको, ये जवानी दे दे हमको, ये जवानी दे दे हमको। करने आ गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। यहाँ रेगुलर हूँ, पुलिस स्टेशन है क्या? चल अजना बन गया सब जगह बुला। एक हफ्ता हो गया दिल को ठंडक नहीं मिली, ए चल उसको जल्दी बुला। सर सरोजा दूसरे ग्राहक के साथ बिजी है, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ चार पांच नई लड़कियाँ आई हैं, उनको बुलाती हूँ। राखी कमला सलमा आ जाओ तुम। तू अपनी आइटम है अपने पास ही रख, आज फुल नाइट सरोजा मेरे पास रहेगी, नहीं तो कल सुबह पुलिस की रेट पड़ेगी और तेरा धंधा चौपट हो जाएगा, समझी क्या? आपको नाराज थोड़ी ना कर सकते हैं, आइए मसाज कर दूं दरोगा साहब। उलट सरोजा रेडी है क्या? रेडी है फुल नाइट मेरे दरोगा जी, सुना है आप थोड़ा कमजोर हैं। तुझे एक दिन पुलिस स्टेशन में रख के फटके मारूंगा तब पता चलेगा। आ जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मार लेना। अमेरिका से नया टेबलेट आया है, बहुत पावरफुल है, आपको चाहिए तो दे देती हूँ। सस्ते में दे दूंगी। सरोजा तू तो हीरोइन लग रही है रे। तू गलत जगह फंसी है। ये तो मुझे पता है, लेकिन फुल नाइट की ताकत आप में नहीं है। ए, ये किसने कहा? अभी साबित करता हूँ कि मैं मर्दू की नहीं। पर यहाँ तो सब आपको फूसी बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। यहाँ क्यों खड़ा है? आपको पावर देने आई हूँ, औरों को 1,000 रुपए, आप 500 ही दे देना। कल डबल दे दूंगा। कल तक तो तेरा काम हो जाएगा। तेरा मूड बन गया क्या? हाँ, मूड तो बन गया फुल नाइट के लिए। वन सरोजा, टू मेरी जाने मन, ये गिन क्यों रही है सरोजा? तू पैसा पैसा करती है। ए दादी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? चप्पल मिलेगी। नहीं नहीं, ये चप्पल नहीं खाता, ये मेरा सिक्स पैक है। भाई वो दादी जो कुछ खिला रही है खा ले, वैसे एक बात सुना, मेरे को 100 रुपए दे देना। क्यों? मैं एक दो दिन में दे दूंगा। मैं अभी चप्पल दूंगा तुझे। 100 रुपए मांगा तो चप्पल की बात कर रहा है रईस ज्यादा। राजा सुबह से तू कहाँ गया था? हा? वो मस्तान के सारे आदमी तुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। तू उसकी बाइक लेके गया था ना? अगर तूने उसकी बाइक वापस नहीं की तो वो मुझे भी मार देंगे, ये धमकी देके गए हैं। गधा कहीं का, मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? आज तो मैंने उसके पैर पकड़ के माफी मांग ली, पर कल उसकी बाइक वापस कर देना। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं कब से बकी जा रही हूँ, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? अरे उसके केबल का पैसा वसूल कर रहा है ना, तो उसका पैसा अपने पास क्यों रखता है? इतना पैसा अपने पास रखे तो करेगा क्या, बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना राज, तुमने अभी तक पास क्यों नहीं लाए है? राज तुम मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? राज ये कितना जरूरी है पता है ना तुमको? इफ यू डोंट मेक इट टू द पार्टी वील बी इन लॉट ऑफ ट्रबल बेबी। तुम जानते हो ना राज, समबडी इज कमिंग फ्रॉम कनाडा एंड इट्स काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट, मुझे धमकी दे रहे हैं तुरंत शादी कर देंगे। Before that, I have to take it to my mommy. Baby, relax. We are definitely going for the party. We'll meet your mom too. But what about the passes? Passes? It's after all 40,000 only. Sirf 40,000. 40,000 rupees? Itne paise ke karega kya tu? Aur mujhe Priya bol raha hai. Daru pi ke aaya hai kya?
ये प्रिया कौन है और किस झोपड़पट्टी में रहती है? झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी, लगता है झोपड़पट्टी में ही मेरा अंतिम संस्कार इस झोपड़पट्टी में ही करेगी तू। इस पूरी झोपड़पट्टी से बड़ा उसका घर है, बंगला, पैलेस। उसे अंग्रेजी में एक प्रिंसेस कहते हैं, तू नहीं समझेगी, जाने दे। ए, सपना में जीना छोड़ दे और पैसा कमाने पे ध्यान दे। तू चार पैसे की सोच रही है और मैं तो अपने प्यार की सोच रहा हूँ। तू पैसों के लिए मेहनत करने को कहती है लेकिन मैं सिर्फ प्यार के लिए मेहनत करता हूँ। तू साइकिल पर जाने की बातें कर रही है और मैं कार में बैठकर जाने के सपने देख रहा हूँ। ध्यान से सुन ले नानी, अब मैं लाऊंगा एक सुंदर सी रानी, अपना हाल अब ऐसा फटा हुआ नहीं रहेगा, अपनी झोपड़ी महल बन जाएगी, मैं बन जाऊंगा राजकुमार और फिर मैं मारूंगा एक सिटी। चलता हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, ओके। हे भरत, व्हाट? मॉर्निंग 7 o'clock फ्लाइट, डोंट फॉरगेट। ओह माय गॉड, मुझे याद है प्लीज, कल सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और तू चुपचाप घर जा और अपने टेडी बियर के साथ सो जा। Who am I? Who am I? Who am I? Hi mom. Hi. How was your day? Good. How was yours? Fantastic. भूख लग गई है माँ। I'm gonna have dinner. कुलकर्णी ने कल फोन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म लेके तुझे मिलने बुलाया है। No, I'm not interested, ma. Not interested मतलब? आर्मी ज्वाइन करना मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? तो फिर लाइफ में क्या करना चाहता है तू? जवाब दे भरत। म्यूजिक ग्रुप बनाऊंगा, रॉक बैंड। क्या कहा, रॉक बैंड? मतलब होटल और बार में बैठकर गिटार बजाना चाहता है तू? आई एम हैप्पी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग मॉम। अबाउट व्हाट? तेरे दादा, तेरे पापा और परिवार के सभी लोगों ने इस देश की सेवा की है। यू नो व्हाट, योर फादर वाज अ हीरो ऑफ ए इंडियन आर्मी। या आई नो, मेरे पापा आर्मी में हीरो थे। But I lost my dad. Don't be selfish. Who is selfish? You are selfish. तुम अपनी इज्जत और प्रेस्टीज के लिए मुझे फोर्स कर रही हो। ये कैसी बात कर रहा है? मेरी प्रेस्टीज? Be responsible. No, mom. Not again. कल चेन्नई में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ। I have to go. I am very disappointed with you, Bharat. कोई पूछेगा कि तुम्हारे बेटे ने क्या तरक्की की है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? Answer me. माँ, एक दिन आएगा जब सिर्फ तुम्हें ही नहीं पूरे देश को मुझ पर गर्व होगा। वो देखो, भारत आ गया। कितना दौड़ के आ रहा है ना। मुझे तो लगता है सो गया था। Come on guys, let's go. कर यार। सुबह सुबह फोन किया था ना, फोन स्विच ऑफ क्यों था? कल चार्ज करना भूल गया था। Come on guys, let's go. फ्लाइट हो गया, आधा घंटा हो गया, समझा? Irresponsible, मुझे ये पता था, हमेशा तुम ही लेट करते हो। Hey relax, when is the next flight? No bro, it's 31st December. Flights are available, but ticket नहीं मिल रहा यार, big problem. Okay, guys listen. बैंगलोर से चेन्नई 350 किलोमीटर है। बैंगलोर से कृष्णगिरी, कृष्णगिरी से चेन्नई, हम कार से ऑन टाइम पहुंच सकते हैं। जस्ट बिलीव मी गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप हरी अप, चलो चलो चलो। भाईजान संभाल के, संभाल, मैं पकड़ता हूँ, आओ। आराम से पहुंच गए ना? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ठीक है आपा। अकबर, नसीर न्यू कॉलेज के पास किसी साइकिल की दुकान पर दिखा, ऐसा पता चला है। ठीक है जीजू, आपा को घर छोड़ के चलते हैं। हाँ। चलिए आपा। ए शिनू, हम चाहकर भी अंबानी की तरह नहीं बन सकते, ये सब किस्मत की बात है, लेकिन अगर हम अच्छा प्लान बना लें तो उसके दामाद तो बन ही सकते हैं। उसके लिए चाहिए सिर्फ एक लड़की और थोड़ा सा टैलेंट। अंबानी को लड़की नहीं, दो लड़के, पहले 40,000 का इंतजाम तो कर ले। ये भी तू सही कह रहा है। देख, मुझे तो कोई 40,000 देगा नहीं, लेकिन अगर 40 लोगों से 1,000 रुपए मांगे। बहुत बढ़िया, लेकिन 40,000 लोगों से 1-1 रुपए मांगे तो उसे भीख कहते हैं। अच्छा, इसको भीख कहते हैं, अच्छी। पान वाले से मांगे तो? अबे वो कैसा आदमी है पता है, तू उसे 2 रुपए की सिगरेट मांगेगा तो उसकी नानी मर जाएगी। अगर 40,000 मांगेगा ना तो हमें फंसा कर खुद फांसी पे चढ़ जाएगा, समझा? वो धनुष है ना, वो नहीं देने वाला। विग्नेश भाई से काट डालूंगा। मेरी बीवी से पैसे उधार लिए, वापस क्यों नहीं करते? साले मुझे घर में आने नहीं देती बे। शॉट भी मेरी पे ले, चल वापस कर। पैसा मांगोगे तो तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं तो पागल खाने में ही पहुंच गया।
और कोई नहीं बचा रहा? नहीं, कोई नहीं बचा। कोई तो बचा होगा, यहाँ देखता हूँ। फोन पे नंबर देखना बंद कर, उसमें जितने भी नाम है उन सबसे तू उधार ले चुका है, सिर्फ कस्टमर केयर का नंबर बचा है। एक है। कौन है वो? ये क्या कह रहा है? गणेश, गणेश। क्या यार, पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह तू भी चालू हो गया, पागल है क्या? अरे सच बोल रहा हूँ यार। क्या यार, आइटम सॉन्ग गाने की उम्र में तू भजन कीर्तन करवा रहा है? मामा, मामा। गोविंदा 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 मामा, मामा। 40,000 रुपए चाहिए मामा। क्या कहा, 40,000 रुपए? अरे बाप रे, 40,000 में तुम लोग के होश उड़ गए। ढक्कन बंद करो, करोड़ों का नाम सुनते तो तुम लोग का गोविंदा हो जाता। क्यों, दादी की तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ, वो दादी की तबीयत दादी को नहीं ना, पार्टी के लिए इसको गर्लफ्रेंड को पार्टी देने, इसलिए 40,000 चाहिए। पार्टी देने के लिए मैं 40,000 रुपए दूं? अबे इतना पैसा अपनी शादी में भी खर्च नहीं किया। बुढ़िया से शादी की तो कौन सा बड़ा खर्चा होने वाला है, इसकी शादी थोड़ी ना 40,000 में होगी। टंटन, सबके सामने कचरा मत कर रहे, उसी की वजह से तो आज भजन करना पड़ रहा है। मामा, जिंदगी और मौत का सवाल है मामा। ऐसी क्या तकलीफ है तुझे? सुनो ना मामा, मामा मामा, अभी हम कहाँ हैं? वसंत नगर में। अरे हम वसंत नगर में हैं, पर वो वहाँ है, अमीर है। हम लोग यहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं और वो वहाँ पर उस रईसी में जी रही है। तो हम लोग यहाँ मर रहे हैं क्या? ये जीना भी कोई जीना है? वहाँ अगर कोई बुढ़ा मर जाए तो उसका लड़का अमेरिका से आने तक उसको बर्फ के अंदर रखा जाता है। यहाँ कोई मर जाए तो 4-5 घंटे के अंदर उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। गरीब पैदा होना गलत नहीं है मामा, गरीब मरना गलत है। भगवान इसको थोड़ी अक्ल देना। मामा, मामा, मामा। क्या है रे, लव है क्या? वो पैसे वाली है? 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है मामा। 600 करोड़? अरे ये सुनकर इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रहे हो? मुंह बंद करो, बांस आ रही है मुंह से। बॉयर गार्डन में घर है, सीएम के बगल में रहती है। Really? Well, actually, it's true. Hey, let's go out, man. Come, please. Hey. प्लीज मामा, सब कुछ ओके है यार, पर मैं तो सिर्फ भजन ही करता हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मामा, आधा रास्ता पार कर चुका हूँ, बाकी का आधा पार कर लूँ तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी मामा। मामा जी, इतना पैसा आ जाएगा ना कि आप 10-12 मंदिर बना लोगे। हाँ, चाहे से ज्यादा तो केतली गरम है। क्या करूँ मामा जी, मैं कब तक यूँ ही घूमता रहूंगा? ये राजा है तो मैं मंत्री हूँ, ये हीरो है तो मैं कॉमेडियन हूँ। ये काम का है तो तू बेकार है। अरे मामा जी, क्या पंच मारा। अबे फालतू, कितनी बकवास करता है। ए, ये तो नई गाड़ी लग रही है, इसे भेज दो। आपने देख के सोच लिया, मैंने चला के नहीं सोचा होगा। मस्तान की बाइक है, उससे कहता हूँ कि आपने कहा भेज दो। मुझे फंसाओगे क्या? मस्तान 10,000 के लिए छोटी उंगली काटने आया था, अगर बाइक भेज दी तो पूरा हाथी काट डालेगा, फिर आप तबला नहीं बजा पाएंगे, समझ गए? मामा जी, ज्यादा मत सोचिए मामा, उसमें आपको भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। मामा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या सॉलिड प्लान है? तू नहीं कर पाएगा। अरे प्लान तो बताइए। अबे तू नहीं कर पाएगा, बता के क्या फायदा? ए भट, तीन चाय दे रहे। अरे प्लान तो बताओ मामा। अरे मामा, अरे नहीं बताऊंगा ना, ये चाय की दुकान में कहाँ आके बैठ गए? मामा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मामा। अब बताइए तो, दोनों से मिलकर भी नहीं हो पाएगा। अरे मामा, एक बार बता के तो देखो। सुन, चैन खींचना है। क्या? साइकिल चैन की कुत्ते की चैन? ए, रोड पर चलती अकेली लड़की की चैन खींच कर भाग पाएगा? मामा, लव मैटर में आप चैन चोरी करने की बात कर रहे हैं, पुजारी बनने से पहले आप चोर थे क्या? सुन, आजकल लड़के चोरी माँ की दवार बच्चे के दूध पिलाने के लिए नहीं करते, लड़की के लिए करते हैं, और तू भी तो इसी के लिए पैसा मांगा? तू कोई धर्म कर्म करने वाला है क्या? अकल नहीं है क्या? पढ़े लिखे लड़के से आप चोरी करने की बात कर रहे हो? कर बे, मैं चेन चुराऊंगा। अरे तू कहाँ जा रहा है? चेन लेकर 8:30 बजे तक आ जाना, उसके बाद अपनी सेटिंग वाली दुकान बंद हो जाएगी, समझा? ये रानी दीदी भी ना, तबीयत खराब हो तो भी कस्टमर भेज देती है। अब तो हमारी खुद की कंपनी है, जब मन करेगा तब काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चल सरोजा, अंदर चल ना। हाँ।
बनारस। हाँ तो रात को मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? Your sweet name? क्यों? नाम जानने के बाद बातें अच्छी होती है ना। सरोजा। सरोजा कस्तूरी। अरे किस कंपनी की अगरबत्ती हो, तुमसे तो नहीं पूछा। अरे मैं भी तो इसी के साथ हूँ ना। चलती बस में चढ़ती है। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर ऐसा गंदा काम करने की क्या जरूरत है? अरे तो तू मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहा है? समाज का विकास होता है, प्रार्थना से पुण्य बढ़ता है, गरीबों की मदद करने से भगवान खुश होते हैं, मदर टेरेसा ने कहा है। ब्रदर भैरव का भी यही विचार है। अपने गांव के स्कूल का ब्लैक बोर्ड पेंट करवा दिया, खर्च की परवाह किए बिना अपने गाँव का विकास कर दिया। और सुनो, कैंसर के हॉस्पिटल में 6 apples 5+1 सारे मरने वाले पेशेंट को बांट दिया। मुझे क्यों बता रहा? मैंने नर्स को कह दिया था छोटे छोटे पीस करके सारे पेशेंट को बांट दो। अब तू बोलना क्या चाहता है? बताता हूँ ना। आई विल कम टू द पॉइंट, आई विल कम टू द पॉइंट सर। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ क्या? क्या करेगा तू? बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो फिर रोज तू ही रहेगा सर। अरे मैं कब से तैयार बैठी हूँ राजा। क्या मतलब, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता? आई विल टॉक, सी विल टॉक, व्हाई आर यू मिडिल टॉक, कीप क्वाइट। सर ये क्या रोज रोज घूम घूम कर जिंदगी बिता रही हो? किसी एक आदमी के साथ सेटल हो जाओ ना, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम तो जानती ही हो मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा। उठ उठ, तू मुझसे शादी करेगा? अपनी शक्ल देखिए आईने में, मुझसे शादी करेगा? क्या मेरे चेहरे को कि तुम इस तरह गुस्सा कर रही हो? डोंट यूज इनफॉर्मेटरी लैंग्वेज। अच्छा अब तू पार्लियामेंट्री असेंबली की तरह बातें करेगा? मैडम अच्छी तरह देखो, मेरी हीरो जैसी हाइट है, क्या खराबी है? ए ए चल निकल यहां से, उतर उतर, चल चल बाथरूम जा, बाथरूम में जा, अभी जा, चल निकल यहां से, जाता हूं। पिताजी किडनी कहां होती है आप जानते हैं क्या? यही कहीं होती है बेटे। हे भगवान, यहाँ लोहा घुस गया था क्या? लोहा नहीं बेटी, किसी ने चाकू मार दिया था। अरे रे, एक साल पहले इसी ट्रेन के अंदर किसी गुंडे ने चाकू मार दिया था बेटी। तो मुझसे आपने झूठ क्यों कहा? हम गरीबों की जायदाद बच्चे ही होते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने बेटों को भी नहीं पढ़ा सका, और तू भी अनपढ़ है। अगर तेरा बेटा पढ़ लिख लेगा तो 3 वक्त की रोटी आराम से मिल जाएगी। हाँ पिताजी, मेरा पंकज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, उसके लिए किडनी तो क्या, मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। खोते थे पुत्रा, बाहर क्या खड़ा होके गिटार बजा रहा है, अंदर बैठ के बजा। अपने काम से काम रख। माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमा देने और बच्चे ऐसी हरकता कर देने। चल बैठ बैठ जा खोते, आप बैठ बैठ। साले अपनी औकात पे रहे। सलाह ड्राइवर कहीं का? ए मैं ड्राइव करूंगा, जस्ट गेट बैक मैन। क्या कर रहे तू यार? Shut up! Bharat! Watch out, yaar!
साला बंदर, मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। उन लोगों को चोट लगी होगी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं, वो देख लेंगे। What do you mean? अगर हमने उनकी मदद नहीं की, कोई और तो करेगा ही ना? हाँ, मदद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हम सिर्फ गाना ही गा सकते हैं, am I right? देख, हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। अबे ज्यादा बात मत कर, उधर देख, जरा रुक जा। वो दोनों इतनी अलर्ट है कि कोई उनकी चैन चुरा नहीं सकता। मैं खींच लूंगा। हां नहीं राजा, तू नहीं, मैं जाता हूँ, लेकिन तू बाइक स्टार्ट करके रखना। हाँ ठीक है, जा 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 जाना। दूसरी वाली की गले में चेन है क्या? इसके गले में चेन नहीं है, इसका बाप भिखारी है। कीड़े पड़ेंगे तुमको। चुप करना, बस हो गया यार। भाईजन, भाईजन, आप किसी नसीर को जानते हैं? मैं किसी नसीर को नहीं जानता। नहीं, नहीं जानते? कहा था यहीं पे मिलेगा, जरा ध्यान से देखे। ये नसीर फोटो नहीं, आमिर है। आमिर? ये तो सलमान के साथ रहता था। छोड़ो, उसका घर दिखा। ठीक है मालिक, चलो। सलमान भाई, सलमान भाई, ये लोग आमिर को ढूंढने आए हैं। आमिर पहले वो यहीं रहता था, अब तो यहाँ नहीं रहता। अभी वो कहाँ मिलेगा? भाई आप इसे इमामी मस्जिद में ढूंढिए। कौन सी मस्जिद? इमामी मस्जिद में। चलिए। भाईजान, इस फोटो में जो है आप उसको जानते हैं क्या? अरे इधर आओ, कभी दिखाई दिखाओ, किसके फोटो है ये? ये मेरा भाई नसीर है। ये नसीर है? हाँ। ये तो इमरान है। इमरान नहीं, नसीर है। ये तो इमरान है ना? हाँ, इमरान है। कुछ समझ में नहीं आया। इसको आपने कहाँ देखा था? ये हमेशा जलील के साथ रहता है। पता नहीं। जलील कहाँ मिलेगा? अरे वाह, हम पहुंच गए। हेलो। प्लीज चेन चाहिए ले जाओ, लेकिन हट ना स्पिटे। टकला के लिए सरोजा से शादी करेगा। चल चल निकल ऐसे। दूँ एक चेन भी गई, लड़की भी गई। फोन तो बज रहा है पर उठा नहीं रहा, पता नहीं क्या बात। कमीना फोन नहीं उठा रहा है क्या? बेटी, इस नंबर पर फोन लगाना। हेलो, कौन बोल रहा है? साहब जी, मैं मुकुंद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। हम टिटवाला से आए हैं। दीदी वो आदमी देखो, हमें ही देख रहा है। देख रहा है तो देखने दो ना सरोजा, तू भी क्या ऐश्वर्या से कम है? और मैं भी तो कैटरीना हूँ। देख वहाँ से कांटी आ रही है। हम आराम से उसके पास जाते हैं, जैसे उसके पास से गुजरूं तो चेन खींच। अबे मेन रोड पे मुझसे चेन खिंचवा रहा है क्या? पागल हो गया क्या? मेरा सारा बदन कांप रहा है, मुझसे नहीं होगा यार। अरे यार तू पीछे बैठा है ना, मैं टंकी पे बैठ जाता हूँ। पागल, चला जा आगे बैठ, जल्दी बैठ। चल चल चल, आराम से चला। अरे बाप रे, मैं बचपन में तेरे साथ आम चुराता था, अब तो तेरे साथ चैन भी चुरानी पड़ रही है, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बाप रे, दो चाय दे रे भाई। हाँ देता हूँ। यार राजा, तू तो गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। नंबर वन, तुझे अमीर पैदा होना चाहिए था, मगर तू झोपड़पट्टी में पैदा हुआ। नंबर टू, पढ़ लिख कर चेन चोरी करने पे लग गया, और आज तो तू प्रिया की मॉम की चेन चोरी करने के लिए चला गया था।
क्या बोल रहा है? वो प्रिया थी? वो तो हीरोइन दिख रही थी। बहुत मेहनत से पटाया उसे। लेकिन लड़की को पटाने के लिए उसके माँ की चैन चुराएगा क्या? वाह रे वाह, किस कास्ट की है? पैसे वाले कास्ट की। देख दुनिया में सिर्फ दो कास्ट होती है, एक तो वो पैसे वालों की और एक हम जैसे गरीबों की। कास्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश की जरूरत है। करेक्ट। ओहो, मैं यही सोच रहा था कि अब तक फोन कैसे नहीं आया। अच्छा राजा, कैसे भी करके इंग्लिश में बात करके उसको पटा ले। हमको अमीर बनना है, हमको अमीर बनना है। हाय बेबी। हे राज, व्हाट वर यू डूइंग एट टॉमी? तुमसे मिलने के लिए आया था। यू स्केयर्ड माय मॉम या? ओह, शी इज योर मॉम। आई थॉट शी इज योर सिस्टर। ओह, सो यू आर ट्राइंग टू हिट ऑन माय मॉम, इज इट? नो 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 नो। What year? When you are there, who else will I hit on? What was the scarf on your neck? And who was the cheap guy with you? Hey, Chichi, he was my driver, yaar. Huh? Evening mein to mummy ko sorry bol dena, samajh gaye? It's my pleasure. And what about the passes? Passes le aaye na? Haan, wahi to lene ja raha hu. Priya. Oh, mom calling. I will call you later, huh? Come here. Yes, mom. Phone pe kisse baat kar rahi thi? Surprise. I will tell you in the evening. 40,000 रुपए चाहिए। बच्चे जिस तरह से पोएम पढ़ते उसी तरह से तू बोल रहा था। अरे सिर्फ 40,000 क्या, 40,00,000 हो तो भी हम बंदोबस्त कर लेंगे, क्योंकि हमें अमीर बनना है। हम लोगों को अमीर बनना है, अमीर बन के रहेंगे हम लोग। क्यों भाई, तुमने ही फोन किया था क्या? मुकुंद तुम ही हो, यही औरत है। चलो सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। दीदी, अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अच्छा सुनो, अभी तुम्हारा नाम मुकुंद नहीं है, वेंकटेश राव है। और इसी तरह यह तुम्हारी बहू नहीं है, बेटी है, समझे? इसका नाम है रेवती। तुम्हारे भाई का नाम है जयराम। उसके लड़के के लिए ये अपनी किडनी दे रही है। और सुनो, वो तुम्हारे छोटे भाई का लड़का इसका भाई होगा। क्यों, समझ गई ना? हाँ सब। देखो नाम नहीं भूलना, रेवती वेंकट राव। शिट। भारत, स्टेपनी नहीं है क्या? स्टेपनी तो है लेकिन हवा नहीं है। वहाँ तुमने उसका ट्रक रोका और यहाँ तुम्हारी गाड़ी रुक गई। ऊपर वाला सब देखता है। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा। दिस इज द लास्ट टाइम। आप कोई मुसीबत मत पैदा करना। भगवान से बोल दिया। Had you been on time at the airport, would I been in China by now? Come on man, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब आगे क्या करना है सोचो। मेरी गलती थोड़ी ना। What should we do now? हाँ? अब चारों टायर निकाल कर टायर से खेलते हैं और क्या? वो भी सुनसान जगह पर है। Hey look, there's an auto. Geeta, shall I get some water? Yeah sure. Guys don't fight. हमारे सामने ये लोग लड़ेंगे और हमारे जाने के बाद प्यार करेंगे। तुम क्यों मुझसे हमेशा लड़ती रहती हो? मैं नहीं लड़ती, तुम लड़ते हो। मैं नहीं लड़ती, सिर्फ तुम लड़ते हो। रक्षा, कम ऑन, लेट मी आस्क यू वन थिंग, तुम मुझ में क्या पसंद नहीं करती? मुझे तुम्हारा गाना पसंद नहीं है। व्हाई? क्योंकि उसमें जान नहीं है, मीनिंगफुल होने चाहिए, उसके शब्द बिल्कुल दिल से निकलने चाहिए। ये गाना मेरे डैड ने लिखा था, इसीलिए मैंने ये गा दिया। वैसे भी आजकल मीनिंगफुल गाने कौन लिखता है? A song is a lyric told musically. मैं समझा नहीं। एक अच्छा लिरिक है, म्यूजिकली कहा जाए तो एक अच्छा गाना। ओके। फिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद आएगा? मुझे तुम्हारा गाना पसंद आएगा। What? भगवान ने तुम्हें अच्छी सूरत के साथ दिया है, अच्छी वॉइस और अच्छा म्यूजिक सेंस। थैंक यू। सेंस तो सिर्फ म्यूजिक तक ही है। कुछ तो सेंस है ना? Let me sing a song for you. Okay. Here we go. जैसे जैसे न्यू ईयर नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ए, है? वहां देख, मैं नजदीक जाता हूँ, तू चेन खींच लेना। सुनिए यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं करने वाला। ये बनना या नहीं बनना? हाँ बनना है, बनना है। तो खींच, खींच, जल्दी खींच। साले तेरी माँ की, कुत्ते का बच्चा, जब फोन रखा है तो
उठाता क्यों नहीं? अरे सुनो तो, मैं कब तक इंतजार करूंगी? दिमाग है कि नहीं? ट्रेन लेट हो गई इसलिए पिकअप करने नहीं आ सका। बस 5 मिनट रुको, मैं पहुँच ही रहा हूँ। अरे सुनो तो, मैं ऑन द वे हूँ। अरे पहुँच रहा हूँ। जल्दी आप बेवकूफ, आने दे। बाप रे, फोन आने के बाद तो मुझे आ रही है, यही हो जाएगी, जाती हूँ। अरे आदमी और औरत के लिए तो है, हम जैसे लोग कहाँ जाके करें? आवरेती। नमस्ते डॉक्टर साहब। आप वहाँ बैठिए। नमस्ते। बैठिए। आपका नाम? इसका नाम रेवती है, मेरी बेटी है। मेरा नाम वेंकटेश राव है। एक मिनट, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आपका नाम रेवती है ना? हाँ रेवती है। रेवती, आप अपनी किडनी अपनी मर्जी से दान कर रही हैं? हाँ। ओके, किस गांव से आई हैं? वो गांव बताइए, किस गांव से आई हैं आप? गांव किडनी बेचने आई है। सर वो क्या है कि आप चुप रहिए, मुझे झूठ पसंद नहीं, अभी पुलिस को फोन करूं। हाँ, पुलिस? ससुर जी, पुलिस की बात कर रहे हैं। ससुर? लेकिन तुम तो इसे बेटी बता रहे थे। धंधा करते हो, किडनी का धंधा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर जाओ। ए, वो तेरा पोता है ना? हाँ, तो तू देना अपनी किडनी, शर्म नहीं आती? दूसरों की किडनी खरीदता है? चला जा, नहीं तो अंदर करवा दूंगा। शेमलेस फेलोस, गेट आउट। सलीम। हाँ भाई। बात सुनो, ये मेरे जीजा हैं। सलाम भाई, बोलिए क्या काम? मैं मेरे भाई नसीर को ढूंढने आया। मैं नसीर को नहीं जानता। हाँ, यहाँ पर उसने क्या नाम रखा पता नहीं, शायद आमिर या रहीम रखा, कुछ मालूम नहीं। इसको नहीं जानता। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ, उसको ढूंढने आया हूँ। प्लीज ए, बोला ना मैं नहीं जानता उसको। ए, आप जानते हैं? प्लीज बताइए ना कहाँ पे है। सलीम, मैं नहीं जानता, बोला ना, बताइए। 3 साल से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही, मैं नहीं जानता, फोटो देख के बता। अरे पुलिस, पुलिस भाग। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कम से कम बता दो जान मेरा भाई कहाँ है। प्लीज भाग, भाग प्लीज। रुको, रुक साले, कहाँ तक भागे? रुक साहब, छोड़ो छोड़ दो साहब, ये फोटो देख के बताओ साहब, छोड़ो। ये कहाँ मिलेगा मेरा भाई, बताओ ना मुझे। छोड़ो साहब। कौन है तू, क्या काम है? तुझे कहीं देखा मैंने? नाम क्या है तेरा? रहीमुद्दीन कुरैशी सर। कोयम्बटोर में था ना तू? हाँ। विसर्जन के दिन तू ही था ना? हाँ सर। देखो जिसने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम किए, यहाँ क्या कर रहा है? मेरा भाई, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ सर। तू इनको कैसे जानता है? हाँ कुछ पूछ रहा हूँ मैं, चेन्नई कब आया? कल ही आया हूँ सर। परसों तक कहाँ था? कोयम्बटोर में था सर। कल आया है और आज इनके साथ घूम रहा है, पूछताछ करने पर भाई की कहानी सुना रहा है? नहीं सर। समथिंग इज रॉन्ग है ना? नथिंग इज रॉन्ग सर, आप सबको शक की नजर से देखते हैं सर। मेरे लिए सब बराबर है, अभी पुलिस स्टेशन में ले जाकर तेरे से सारी सच्चाई बात सर, चल सर, 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 सर। ए, सुनो, कहाँ से आई हो? इंद्र ने इसी का फोटो भेजा था ना? ये रानी की कोठे वाली है। अच्छा, ऐसा ही को गोली खिला के तू यहाँ मौज करिए। चल पुलिस स्टेशन, चल बताता हूँ तेरे को, चल 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 चल। तुम्हारी मदद करने के लिए तुमको मुझे ही अंदर करवाने लगे। हटो, 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 मेरे पीछे बताओ, जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, तुम्हारे कारण पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें भेजने वाले को चप्पल चुराना चाहिए। हटो, हटो, जाओ, मेरा पीछे छोड़ो। सरोजा, अरे रुकना नाच पीटे, सरोजा को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं भूल गई थी पिताजी। कोई नहीं दिख रही। हम लोग चेन चुराने वाले हैं, इसलिए सभी लोग रोड पर चेन पहनकर घूमेंगे, क्या पागल है क्या तू? ए, आज तो पैसा मिलेगा। लेकिन कैसे? यहाँ से कमाएंगे। अच्छा तो तू पार्टी में जाने के लिए दुल्हन के गले की चेन चुराएगा क्या? मैं चेन चोरी करने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। बाइक को बंद मत करना, कोने में खड़े रहना। Hey,
फीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम मुझे पसंद करती हो ना, या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तुम मुझे पसंद करती हो है ना? Hey! क्या चल रहा है? टायर पंक्चर हो गया है, मेरे सारे दोस्त उसे ठीक कराने गए। तू यहीं का है ना? हेयर स्टाइल कैसी है, हाथों में गिटार है, तू क्या अंग्रेजों के घर में पैदा हुआ है? नहीं बॉस। बताइए कौन है? फ्रेंड है बॉस। फ्रेंड है तो रोड पे गले मिलेगा। हम आपस में बातें कर रहे थे। कैसी बातें कर रहे थे? एक लड़के के साथ अगर लड़की हो तो या तो वो पति पत्नी हो सकते हैं, वरना भाई बहन भी हो सकते हैं। पत्नी है तो मंगलसूत्र बांध। ए ये क्या है बॉस? और अगर भाई है तो तू इसको राखी बांध। मैं क्यों बांधूं? बांध ए, तेरी तो बोला ना बांध। चाल अंदर चाल। I can explain, sir. It was not our fault. We were coming from this side, and the other guy was coming from that side. क्या कहा? चैन? सर, चैन वहाँ पर है सर। मैंने नहीं चुराई। मैंने चुराई। पुलिस? ओह। ओह, चैन सर, चैन। Yeah.
हीरोगिरी करता है। साले एक बंदे नू एने बंदे मार रहे हैं। अरे खबर ले। ठीक हो ना बच्चों? तेरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता सर, मैं काम करता हूँ, उसके पास जाता हूँ और उसे पूछ के आता हूँ। hey, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम है शीनू, टंटन टंटन शीनू। अच्छा ठीक है, पैदा कब हुआ? बचपन में ही पैदा हुआ था। क्या बोला? हैप्पी बर्थडे कब बनाया याद नहीं, शायद जनवरी में। आपको क्यों पकड़ा? साहब हिंदी। हेलो, देखने में तो अच्छे घर की लगती है। मैंने कुछ नहीं किया है। बिना कुछ किए थोड़ी यहाँ ऐसे अंदर बिठाते हैं। ए जल्दी आ। अभी तो अभी। जल्दी आना। क्या हो गया? तेरा नाम क्या है? राजा सर। केबल राजा सर। केबल राजा? नहीं, पिल्ले राजा, लेकिन मुझे सब केबल राजा बुलाते। तेरा बाप क्या करता है? पापा तो बचपन में ही गुजर गए सर। रहता कहाँ है? बसंत नगर में, उसके बगल में जो झोपड़पट्टी है। सर, इंदर ने जो दवा वाली बात बताई थी वो यही है। इसकी वजह से बर्बाद हुआ। हो गई। मस्त है। ये दोनों कौन है? चेन किसके भाग रहा था सर? रंगे हाथों पकड़ा है। सर, आप लोगों ने हमें रंगे हाथ कहाँ पकड़ा? वो तो धोखे से हम लोग आपके जीप से टकरा गए। ऐसा कैसे हुआ? पुलिस की जीप ही मिली टकराने के लिए है? नहीं सर, हमारा तो नसीब ही गोल गोल घूमते रहता है तो। नसीब। नसीब घूमता है? सर ऐसे घूमता है ना सर? सर 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 प्लीज सर प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट फोन है सर, एक फोन उठा लेता हूँ प्लीज सर। जिंदगी और मौत भी तुझे कैसे गोल गोल घुमाते हैं सर, प्लीज एक बार बात करने दीजिए सर, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। कर ले। साइलेंस सर, आपको नहीं। अबे सॉन्ग रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है जो तू साइलेंट बोल रहा है, साहब नाराज हो जाएंगे। अबे तू चुप कर बे। हाय बेबी। हाय बेबी। What's that sound? क्या कर रहे हो? Head massage, baby. Oh, head massage. Enjoy, enjoy. Okay, तुमने passes तो लिए ना? Yeah, definitely get them, baby. I'm busy right now. Can I call you later? Okay, get the passes. Bye. Love you. Mwah. I love you. Sir. Lafandry, फिर तो बहुत परेशान होगा रे। प्यार सर, ये बात पेपर में भी छप गई क्या? शट अप। ये लफंडरी कब से चल रही है बे? सर आज ही पहला दिन था सर। सिर्फ चेन स्नैचिंग या कत्ल, चोरी, डकैती, रेप भी करता है? अरे सर, ये क्या है सर, एक होटल सप्लायर की तरह सिर्फ इडली या डोसा या वड़ा पूछते जा रहे हैं। सर वैसा कुछ नहीं है सर। सर हम नए नए हैं सर। सर ये पहली बार है सर। फंस गए थे तो। ऐसी क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ वो मामा जी, मेरे मामा जी भजन करते हैं ना, उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती करना था तो इसके लिए पैसे की जरूरत। नमस्ते साहब। तू कौन है भाई? गणेश साहब। भजन वाला गणेश जी? साहब जी तू तो हॉस्पिटल का सीरियस फोन सर, ये टीवी हो गई है सर। मामी मैंने कहा था ना वही ऐसा ही है, आप बात कर लीजिए, मैं फोन देता हूँ। कौन सी मामी बे? मैडम। मामी मामी भाभी। हाँ छोड़ देता हूँ भाभी, कुछ नहीं है, चैन वैन खींचा है बच्चों ने, बस मैं छुपा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ देता हूँ छोड़ क्या देता बात है रे? मामी का नाम सुनते इसकी फट क्यों गई थी? भाभी को कैसे जानता है? सर मामी के घर भजन करता हूँ। भजन करता है?
सर मंदिर में भी भजन करते गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। ये तो ठीक है पर मेरे लिए क्या करेगा? आपके घर में भी भजन? तेरी मामा मामी की तरह मेरे को भजन मत सुना, मेरे को पैसे चाहिए। 6 महीने में रिटायर्ड होने वाला हूँ, बढ़ोतरी में पैसा भी तो चाहिए। समझ गया साहब। हाँ। पैसा आ रहा है सर। हाँ। कहाँ देना है आप ये बताइए, और इन लोगों को छोड़ दीजिए सर। यहाँ से बाहर काउंटर के पास। थैंक यू सर। आओ रे चलो चलो साहब का मन ना बदल जाए। चल 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 सर। ठीक है माफ कर दिया। सर ये मेरे पैसे यही रख दे। क्या रे? रख दिया। एटीएम है जो बार बार निकालने चला आता है। चल इस एटीएम से पैसा वापस नहीं मिलता, जो एटीएम के पास आता है देकर जाता है। एटीएम समझ में नहीं आता। प्यार करते हो उससे? पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। पिताजी मैंने सब याद किया था, लेकिन डॉक्टर को देखने के बाद मैं भूल गई। किडनी बेचने कहीं और चले पिताजी। कहाँ जाए बेटी, इतने बड़े शहर में किससे पूछेंगे? किडनी बेचना अपराध है बेटी। मुझे लगता है अब मेरा पंकज कभी पढ़ नहीं पाएगा। मुकुंद, रुको, कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ चलो। वापस गांव जा रहे हैं। अरे गांव क्यों जा रहे हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब मान गए। अरे वो सब जाने दो, मैंने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बदल दिया है। साहब ये लो नए कपड़े पहन लो। दादाजी शहर जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, नहीं जानते क्या? घर बनाने वालों के पास घर नहीं होता, जूते सीने वालों के पास जूते नहीं होते, उसी तरह हमारी भी जिंदगी है साहब। ठीक है सरोजा, आओ आओ। कहां तक छुपोगी? सुन कर ढूंढ लिया ना, पुलिस वालों को धोखा देकर कहां तक छुपती फिरोगी है? धोखा दिया? ऐसा क्या धोखा दिया? उसकी चेन या अंगूठी लेके भाग गई या उसकी जायदाद हड़प ली? बहुत बोल रही है रे। पैसे के लिए धंधा करने वाली तू मेरे से जबान लड़ाएगी? फोन लगा रहे इंदर को। हाँ ठीक है सर, मैंने उसे धोखा दिया है तो, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, और हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, पुलिस की नौकरी भी है, फिर भी पैसे के लिए हमारी ही तरह बिकते हो। सही कहा ना सर? बक बक करती है, अपनी तरह समझती है? 2 टके की धंधा करने वाली तेरी औकात क्या है? हाँ मेरी कोई औकात नहीं है, हम कपड़े उतार कर धंधा करते हैं और तुम कपड़े पहन कर धंधा करते हो। तू पुलिस वालों को भाषण देगी है? तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरी गोरी चमड़ी तो खुरच के उतारूंगा मैं। हमसे बराबरी करती है? अबे तू कौन सा नमूना है रे? आ इंदर बोल रहा था कुछ तेरे बारे में, जलाने वाला क्या? आए हाय कस्तूरी मतलब? इस दुनिया को महकाने वाली। क्या बात बोली रे, कैसे महकाती है? पैसे लेके आ। ओ इंस्पेक्टर सर, इन दोनों की पिटाई करके इंदर के पास भेज दे। सर आप इंदर के पास भेज देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 बोतल शराब और बिरयानी खिलाएगा, यही ना? ठीक है तू क्या देगी? हम खुद की कंपनी खोल रहे हैं सर, उसमें से 25% हर महीने हम लोग आपको दे देंगे। हमें इंदर के पास मत भेजिए। बाहर जाकर अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने वाली है तू। लेकिन तू तो कंपनी डालने की बात करती है रे। अगर अपन लोग चालाक नहीं होते तो तू हम लोगों को घाघरा पहना कर नचा देती क्यों? सर, ये आपके लिए एडवांस है। असली है क्या? हाँ सर सोना है। सोना है ये सर? ए, खुद को मोरनी समझती है क्या है? सुधर जा नहीं तो पंख कुतर दूंगा। पुलिस वालों से पंगा नहीं। सुन रहे सर, इन दोनों का पता, इनके दलालों का पता निकाल कर मेरे टेबल पर भेज दे, समझ गया क्या? और जब सब कुछ पता चल जाए इन दोनों का पीट कर भगा दे यहाँ से। ओके धंधा के। ए रक्षा, आर यू ओके? अगर आज हमें उस सरदार जी ने नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा आज क्या हाल होता।
सही कहा ना मैंने? गाइस सीधे Guys, look at this pic. भरत को बहुत चोट लगी है यार. They came from nowhere, man. Got so scared. Very sad, man. हर कोई अलग-अलग भगवान को मानता है. You know, gods become a reason to fight now. सब लोग अल्लाह भगवान के नाम पे क्यों लड़ते रहते हैं यार? I just don't understand. No, guys. Problem भगवान नहीं है. भाषा, language. What? What's this? Water. तमिल में? तन्नी. तेलुगु में नीलू, हिंदी में पानी, इसका मतलब? मतलब तो सभी का एक है, मगर सब अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं. God is also like that. एक भाषा में राम, दूसरी भाषा में जीसस और तीसरी में अल्लाह कहते हैं. प्रॉब्लम हम में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेल सेड ब्रो. भाई घूम गया था तो पुलिस के पास आना था, लेकिन तू उसके पास क्यों गया? प्लान क्या है? आपके दिल में कुछ और है, आप बोल कुछ और है। मैं गलत नहीं हूं। तुम सारे के सारे आतंकवादी हो। एक दो लोग गलत हो सकते हैं, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं। क्या कहा? एक दो लोग गलत हैं? हाँ? फिर ये लोग कौन है? बोल रहे कौन है तू? बता वरना क्या तुम्हारी मत तेरी क्या जाने बता सर क्या जाने जल्दी बता मुझे मामा जी के घर गए थे सर हम नहीं जानते कहाँ है तेरा मामा बता सर कहाँ है तेरा मामा सर सर उसने बोला नहीं जानता बोल साले वो नहीं जानता तो तू जानता है क्या मैं नहीं जानता सर मैं नहीं जानता सर मेरा तो परिवार बिखर गया सर मेरा भाई कहाँ गया मालूम नहीं मैं उसको ढूंढने आया हूँ आपसे मार खा के जो मेरा भाई भागा है अभी तक पता नहीं चला 3 साल से और आप इन बच्चों को मार रहे हैं सर इनको तो छोड़ दीजिए ये लोग सीधे साधे हैं सर तुझे ये लोग सीधे साधे दिखते हैं हाँ सर 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 बताओ सर 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 साले पता सर बताओ सर 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 आप मुझे सर सर मारी हम नहीं जानते उसे बता क्या होगा मत किए सर बता कल क्या होगा बता मुझे कल क्या होगा मारना बंद कर
जानना चाहता है ना कि कल क्या होगा? कल नहीं, आज ही होगा। देखना, एक दो लोगों की नहीं, तुम्हारे हजारों लोगों की जाने जाएंगी। ए, ए, चल जा, जाकर नए साल की शुरुआत कर। चल निकल। क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भाई, आपका भाई कहाँ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो करने वाला है वो मुझे पता है। हमने जो जुल्म सहा है ना, उसका बदला जगह जगह बम फोड़ कर लेंगे। बता, बम कहाँ फटेगा? बम बता वरना गोली मार दूंगा। मारना तो मार दे इंस्पेक्टर। बॉम्बे में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, कोलकाता में बम फटा, तुम सोच रहे हो चेन्नई में नहीं फटेगा? फटेगा इंस्पेक्टर, आज ही फटेगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। खून का बदला खून इंस्पेक्टर, तुम्हारी आंखों से खून बहेगा इंस्पेक्टर। प्लान कर रहे हैं ये लोग, इन सबको स्पेशल सेल में डालकर बंद कर दे। आंख निकाल कर नाक काट दे इन सबकी। सब बताएंगे साले, हजार हजार लोगों को मारेंगे, मासूम लोगों को। क्या बोल रहा था साले? ये लोग मासूम है ना? मासूम बच्चे हजार लोगों को मारते हैं? बता तू, बता साले क्या प्लान है तुम्हारा? होश में नहीं, बता मुझको। सर पैसा आते ही आपको दे दूंगा सर। ये चाय वाले साहब को चाय दे। साले ऐसे पीछे पड़ गए जैसे हम लोगों ने इनका उधार खाया हो। मेरे 2000 रुपए भी छीन लिए। क्या 2000 रुपए भी गया? अच्छा हुआ तेरी मामी की कंप्लेंट नहीं की, उसे भी लेके चले जाते। ऐसे लोग हैं ये। पुलिस जीप से हमारी बाइक टकराने के बाद इसने उठकर इंग्लिश में बात तो की थी, लेकिन मेरी वजह से सारा खेल बिगड़ गया। अरे रे 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 रे। अगर इसके साथ रहेगा तो तेरा जेल जाना पक्का है। और तेरे साथ रहेगा तो मिनिस्टर बनेगा ना। ए, क्या बोल रहा है तू? अरे दादी आ गई, आ गई दादी। लाओ दादी पैसा दो, जल्दी भरना है दो। तब तक तुम जाके राजा से मिल लो, जाओ। पैसा दादी दे रही थी और उड़ ये रहा था। देख राजा, मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए बचे हैं, ये भी रख ले। तेरी जिंदगी है, जैसे चाहे वैसे ही जी। क्यों रे, तू उस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर रहा है? शर्म नहीं आती? तू कभी सुखी नहीं रहेगा। छी, तुम चलो भैया। ठीक है, हम कितना भी मेहनत कर ले, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। देखो मैं तो भजन करना जानता हूँ, डायरेक्टर शंकर के पास जाकर टिंग 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 करके एआर रहमान की तरह अवार्ड जीतना चाहता हूँ। ऐसा होगा क्या? हम लोग तो तेरा भजन किसी तरह झेल लेते हैं, लेकिन वो लोग सुनेंगे तो मार डालेंगे। अब तू सही बात पे आया, तुझ में और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा पैसे वालों के पास आता है, गरीबों के पास नहीं। वो लड़की को भूल जा। ए, क्यों रे, क्या हुआ? ए, किसको फोन कर रहा है? हाय बेबी। हाय बेबी, व्हाट्स अप? आई नीड टू, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अभी मिलोगे? हाँ। ओके, कम ओवर, मेरे घर के बाहर मिलेंगे। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। अब तू उसको क्या जवाब देगा है? ए, अरे गोपी कहाँ गया रे? कस्तूरी। अरे तू बात क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़, चल जल्दी आ। क्या कहा, वो बेईमान है, चैन भी रख ले, धंधे में कमीशन भी चाहिए, सरोजा को भी मांगता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सरोजा। साले तू चुप कर, टाइम पे आता तो ये सब नहीं होता। चल। हेलो। अरे हाँ, ये बता तेरे पास चेन कहाँ से आई? अरे वो ट्रेन वजह टिंगू तेरे पीछे पड़ गया था, मैंने उसी से ये चेन मारी थी, मुरली वाले ने हमें बचा लिया। ये मुरली उरली वाले कुछ नहीं होता, अगर होते तो हमारी जिंदगी ऐसे थोड़ी लिखते। हाँ सर। चल बैठ। अरे सर आप चिंता मत करो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं आ रहा हूँ ना, वही बात करता हूँ। अरे गेस्ट हाउस ही पहुँच रहा हूँ सर, माल एकदम फ्रेश है सर, एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, मजा आ जाएगा आपको, एकदम फुलझड़ी है। हाँ सर, खुश हो जाएंगे आप। हमारा काम कुछ अलग तरह का है दीदी, दूसरे कामों में जितना तजुर्बा हो उतने ज्यादा पैसे, और हमारे काम में जितना कम तजुर्बा उतने ज्यादा पैसे, और अगर तजुर्बा नहीं हो तो पैसे ही पैसे। आप चिंता मत करो, कल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बाद में करता हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? रेवती। ये मेरे पिताजी वेंकट रमन और ये चाचा जी हैं जय रमन, इनके बेटे वर्धमान के लिए किडनी दान करने आई हूँ। आपको किडनी देने पे कोई इतराज तो नहीं है? कोई एतराज नहीं है। अच्छा, इस पे साइन कीजिए। अंगूठा लगाऊंगी। अरे यार, ये घर है कि महल है? कितना बड़ा है ये? प्रिया का बीच हाउस है,
किचन हाउस तो जानता हूँ, ये बीच हाउस क्या होता है? अबे पैसे वालों का हवा खाने के लिए बनाया हुआ घर। एक टेबल फैन तो तू खरीद नहीं सकता है, और इस बंगले वाली छमिया को कैसे पटा लिया? कुछ भी हो यार राजा, तेरे में कुछ तो बात है। आखिर तू सोच क्या रहा है? समझ में नहीं आता उससे कैसे कहूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या बोला? तुझे डर लग रहा है? बासी चावल खाकर बर्गर खाया बोलता है, पब्लिक टॉयलेट में बैठकर पब में हूँ बोलता है, उस समय तुझे डर नहीं लग रहा था? बोल। झूठ बोलना आसान होता है, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। एक काम करते हैं। क्या? तू जाकर बोल दे। किससे? तेरी भाभी से, प्रिया से। अरे नहीं यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे मेरे भाई। मत सुन 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 मेरी बात सुन। अबे चिल्ला मत कर यार। हे प्रिंसी, वी आर गोइंग टू सी राज नाउ। अरे मुझसे नहीं होगा, बोल। देख ये मेरी लाइफ है यार, उसे सच तो बताना ही पड़ेगा ना। सच बताओ? मस्तान के पैसे लेकर हम लोग भागे थे, और सेठ के लड़की की चेन चोरी की थी। ऐसा ही जब तेरे बाल खींच रहा था तो तू बोला कि मैं मसाज करवा रहा हूँ, ये सब बोल दूँ क्या? ये सब बुरे काम है यार, बुरे काम नहीं, अच्छे काम बताना। समझ गया ना? पैसे वाला नहीं है, केबल वाला है। हाँ, कोई काम का नहीं है, झोपड़पट्टी में रहता है। उसको बड़ा चढ़ा के बोलना, कहना उसे पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, उसके दिल में भूकंप आना चाहिए। भूकंप यार, ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो समझ में आ जाएगा, बोल देना यार। प्रिंसी, जा जा जा, वो आ गई, आ गई, जा जा। नमस्ते दीदी। यू? राज का ड्राइवर, पापा ड्राइवर। ठीक है। राज ने आपसे कुछ सच बोलने के लिए कहा है। वो क्या? वो क्या है ना, उसके दिल में सच फंस गया है, वो बहुत फील हो रहा है उसको। मैं समझी नहीं। वो क्या बोल रहा था वो? मैं भूल जा रहा हूँ क्या बोल रहा था वो। बताओ राज कहाँ है? हाँ वही मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन वो भूल जा रहा हूँ। राज कहाँ है? वो क्या है राज? अरे राज तू ही आके बता देना। अरे मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, तू ही बता देना। राज, हाय बेबी, कैसे हो? एक्चुअली प्रिया, व्हाट हैपेंड बेबी? तुमने कहा था तुम्हारी मॉम से मिलूं, सोचा उससे पहले तुमसे एक बार। डोंट वरी बेबी, मामा श्योरली लाइक यू, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओह शिट, या मॉम, विद प्रिंसी, कम इन 2 मिनट्स। मॉम कॉलिंग, आई हैव टू गो। Love you, baby. See you in the evening. Bye. क्या लाइफ है यार? क्या हुआ? तू तो ऐसे बेहोश हो गया जैसे कि तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। राजा होश में आ जा। 40,000 रुपए चाहिए। अरे बाप रे, मैंने सोचा तेरी लव स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन तेरी तो कंटिन्यू हो गई। हाँ सर, इसके साथ दूसरा ही फंस गया है, नया आदमी है ये। यस सर, हम इसे स्पेशल सेल में ले जा रहे हैं, आज उनकी सारी चर्बी निकाल दूंगा मैं। चर्बी सिर्फ उनमें ही नहीं, आप में भी है सर, उसी चर्बी ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। मतलब मैं भी तुझे टेररिस्ट जैसा दिखता हूं? मैं भी आतंकवादी हूं। बेगुनाह को सताने वाले सब आतंकवादी होते हैं। तेरा बच्चा मर गया, तेरा भाई भाग गया, तेरे खिलाफ टेररिस्ट एक्ट फाइल कर देता हूं मैं, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा। क्या घूर रहा है बे, क्या घूर रहा है साले? तेरी औरत को बच्चा होने वाला है ना, बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन उसे देखने के लिए तू इस दुनिया में। पकड़ो उसको। रात अकेली है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे। अबे तू अनार कली जैसा छुप क्यों रहा है, चल बाहर आ, जल्दी बाहर आ, चल। मैं तो दोनों तरफ से तबले की तरह मार खा रहा हूँ, जल्दी छोड़ दे। मामा, मामा प्लीज मामा, एक आखिरी आइडिया दे दो मामा। मैंने एक आइडिया बताया था तो तुमने पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया था। तो फिर क्या, तुझे इलेक्शन में खड़ा करेंगे क्या? चुप कर यार, प्लीज मामा एक आइडिया दे दे मामा। उसको तू सब सच बोल दे। अरे मैं सच बोलने गया था, लेकिन उसने इसको चुम्मा दे के इसका मूड बदल दिया। ए, तुम लोगों के लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस छोड़ो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मामा, बेटा इधर आ। कौन है ये? देख ये ढोंगी साधु बाबा को, इसकी चर्बी कितनी बढ़ गई है देख। बेटा, जिंदगी में एक बात जानना बहुत जरूरी है, मनुष्य माया के पीछे भागता है, परंतु माया
इसे तो मनुष्य ने ही बनाया है ना। अरे राजा, ये ढोंगी स्वामी है, इसकी बातों में मत आ रहे। मैं ढोंगी साधु नहीं हूँ, सच्चा हूँ। स्वामी जी, जिंदगी में एक बात का हमेशा ख्याल रखना। वो क्या? क्रीम बिस्किट में क्रीम होगा लेकिन हॉट डॉग में डॉग नहीं। दही चावल में दही रहेगा लेकिन नींबू चावल में नींबू नहीं रहेगा। ये तो कहावत है भाई। तो जो तूने बोला वो भी तो कहावत है। काशी जाने के लिए पैसा नहीं है और तू गांजा पीकर भाग रहा है। चल राजा चल। तू नशे में बोल रहा है, मैं बिना नशा किए तुझे कह रहा हूँ, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सबसे जरूरी है। वो क्या है? मनी। सब ये जाने हम है दीवाने, दिल करते मौज यहाँ। कभी यहाँ कभी वहाँ मस्ती कर रहे, शादी कर लो भूलोगे तुम मस्ती सारे। तू जो मिले बात बने फिर ये करे, कहीं चले दोनों मौज मस्ती करे। नो मनी नो मनी नो हनी नो हनी या। दीवाना बेगाना तू, दीवाना है कोई तू, नाच सारा मेरे साथ आज मजे कर ले यार। दीवाना बेगाना तू, दीवाना है कोई तू, नाच सारा मेरे साथ आज मजे कर ले यार। आज जरा खुल के मिलो मेरे साथ चलो, थोड़ी फुर्सत में प्यार तो करो। बीत वक्त गया अब है रंग नया, मर्द पंख जरा कुछ तो करो। देखो तन मन में अग्नि भर देंगे। अभी कहना ना ये कोटा से का है, अरे इसको तू जान ले ये इक्का है। अब होना है क्या सबको पता है, ये साल नया मामा। नो मनी नो मनी नो हनी नो हनी यार। नो मनी नो मनी नो हनी नो हनी यार। नो मनी 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 नो हनी 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 यार। पत्ता चला सबसे बड़ा पत्ता चला, सबसे बड़ा पत्ता चला, सबसे बड़ा पत्ता चला। चलो 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 चुपो जाओ नाचो, अरे चलो 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 चुपो जाओ नाचो, अरे चलो 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 चुपो जाओ नाचो, अरे चलो 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 चुपो जाओ नाचो। कोई तो है दिल में, दिल क्यों धड़क रहा, मस्ती कहाँ गई नाच जरा। अब तू देख हमें, तेरा दिल अब तो गया, तेरे ही चाहने वाले बैठे यहाँ। हमसे जो तू टकराया, हम तुझको तो छोड़ेंगे ना, मेरी जुल्फों से तू जरा बचना। अरे अंबानी मैं बनना चाहता हूँ, अरे उनके तो चक्कर में पड़ना ना। ये क्या लाइफ है, करियर खत्म लाइफ खत्म। नो मनी नो मनी नो हनी यार। मनी 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 नो हनी 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 डांस। No money, 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 no honey, honey, honey dance. No money, no money, no honey, no honey dance. We'll be right back.
टाइम हो गया, जल्दी कर। मामा 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 प्लीज मामा प्लीज कुछ कीजिए मामा। तू अच्छी तरह नाचा और मैं भी अच्छी तरह नाचा, मुझे भी मजा आया। 40,000 रुपए की बात भूल जाओ, इसी चक्कर में पुलिस स्टेशन गए थे, जेल भी जा सकते थे। तेरा केबल का धंधा ठीक है, जाकर न्यू ईयर मना। तेरे चक्कर में ये भी जेल जाने वाला था। मेरी बात मानो, तुम्हें जो करना करो पर मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे भजन के लिए जाना है। ठीक है जाओ, हमको मत सिखाओ और जाके नहा लेना। नो मनी नो हनी, नो मनी नो हनी। ठीक है तू जा। कहाँ? तू फ्राइड राइस लेकर आ जा, मैं तुझे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तू अकेला कहाँ जा रहा है? मैं दारू लेकर आता हूँ। ये हुई ना बात, अब आएगा न्यू ईयर का मजा। चल अपन दोनों मिलके धूम मचाते हैं। दोस्त तू दारू लेकर आ, मैं जाके फ्राइड राइस लेकर आता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नो हनी नो मनी नो हनी। क्या लाइफ है यार। हेलो, कौन? केवल राजा। बाइक बेचनी है? हाँ। कोई पार्टी है क्या? हाँ, ला बेच देंगे। सर मुझे 5 एकड़ जमीन अपने गांव में खरीदनी है। तो खरीद लेना ना, ये लो। सर आंख और किडनी के अलावा आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए। तुम तो बड़े लालची निकले यार, चलो ठीक है। ठीक है। सर चलते हैं। चलता हूँ सर। बैठो बैठो मुकुंद। हाँ साहब जी। मैं तुम्हें कितने देने वाला था? हाँ। 40,000 ना? हाँ। पर इसमें से तो 30,000 खर्च हो गए। अब तुम्हारे बचे 10,000। लो रख लो। साहब जी आपने 40,000 रुपए देने को कहा था, ये तो कम है। इन सब पर जो मुझसे खर्चा हुआ वो मुझे कौन देगा? कार में बैठकर यहाँ वहाँ घूमने में तो बड़ा मजा आया, पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते है ना? साहब जी ये पैसा नहीं है, ये मेरे पोते की जिंदगी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी। अरे दिमाग मत खराब कर। पुण्य मिलेगा, भगवान आपका भला करेगा। बंद कर, पकड़िए। जितना आपने कहा था उतना दे दीजिए साहब जी। पकड़ इसे, छुपा के रख। चल चल जल्दी छुपा ले, संभाल के रख। छुपा ले, शहर में बहुत चोर है, संभाल के जाना। चल जा। मेरे पोते का क्या होगा? इतने से पैसों से क्या होगा? क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान मेरी रक्षा कर दो। डार्लिंग मोर हनी मोर मनी। हाँ नमस्ते सर, आजा आजा। वो नहीं भाई, ये है। मैं भी कमाल हूँ। कैसा है गोपी? सोने का हुक्का साथ में लेके घूम रहा है रानी डार्लिंग। चमिया मिल गई। उसे वहीं पे मार डालो। सरोजो वहाँ जाकर फंस गई है, उसे जल्दी भेजने को बोलो। आज से उसका मेरा रिश्ता खत्म है, बस तुम मेरा पैसा भेज दो। तो पैसे की चिंता बिल्कुल मत कर मेरी छल्लो रानी। यार ए गोपी, तू साला अभी तक मेरी तलवे चाटता था ना, अब तू बिजनेस चालू करेगा? कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे सामने मुकाबला करेगा? भाई मुझे माफ कर दो भाई। चल बोल भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। अरे तू कहाँ जा रही? हिरने को हमेशा तेजी से भागना चाहिए, नहीं तो सिर उसे खा जाएगा। जानवर हो। तू चुप हो जा, बताती हूँ। वो गोपी ने कहा था कि एक पार्टी है, हम दोनों उसकी बातों में आकर धोखा खा गए। मेरी बात सुनो, वो गोपी हमें यहाँ लेकर आ गया, लेकिन अब वो भाग गया। आप ये समझ लो कि हम खुद आपके पास आए हैं, हम दोनों मिलकर अब बिजनेस शुरू करेंगे। बीच में रानी नहीं चाहिए, अपनी कमाई को आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा? पार्टनर नहीं बनूंगा, तुझे मार्केट में सप्लाई करूंगा। जैसे हम लोग चावल दाल खरीदते है ना, उसी तरह मैं तुझे बेचूंगा सरोजा रानी। हेलो सर,
मार्केट में नया माल आया है, बहुत मस्त आइटम है, आप कहें तो सप्लाई कर दो। अभी ठीक करता हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी है, आप ऊपर जाकर उसे देख सकते हैं। लक्ष्मी ये लो बेटे। हे भगवान, ज्यादा पैसा मांग लेते आप। पंकज के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, वही बेचारा धो धोकर पहनता है। वह तो चप्पल भी मांग रहा था, उसे चप्पल भी खरीद देंगे। कैसे देंगे बेटी, उन लोगों ने पहले 30,000 रुपए कम दिए हैं। भगवान, फिर हम नर्स माँ के पैसे कैसे चुकाएंगे? हमारे दुखों का अंत ही नहीं है क्या? लगता है हमें घर भी बेचना पड़ेगा। दादा दादा, क्या ये पैसे आपके? कहाँ कहाँ? यहाँ पड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर। हे भगवान, चोर! पिताजी, चोर! हे भगवान, मैं क्या करूँ? पिताजी! नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करो बेटा, नहीं तो मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत, ये पैसे वापस दे दो बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बात मानो बेटा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इस पैसे से मेरे बेटे को छुड़ाना है, मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ी उसके लिए। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, वापस दे दो बेटा। पैसे दे दो, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेच के ये पैसा जमा किया है बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मंसूर खान, ये भी तेरा आदमी है? तू पुराना टेररिस्ट और ये नया टेररिस्ट, क्या रे घूर क्या रहा है? मुझे घूरना बंद कर, तुम दोनों ने मिलकर क्या प्लान किया है? आंखें फोड़ दूंगा, समझा? सत्यमूर्ति सर, इन दोनों पर नजर रखना। इस देश में हमें ऐसी इज्जत मिलती है। आपका नाम क्या है? ज्यादा बोल मत, जान से मार देंगे। ए,
संभाल के। तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी। भारत, ऑटो। ओह शिट! कोई बचाओ! चलो चलो, हटो। Be careful! Oh my God, she's pregnant! Come fast! भरत, ये क्या कर रहा है तू? ये हमारा काम नहीं है। संभाल के, संभाल के। Just shut up, she needs help. हमें देर हो रही है, चल। Come on, get in. तुम उसका ख्याल रखना, हाँ? Can we participate in today's night party? Yeah, sure. The party starts around 9 p.m. at home. How many tickets do you want? Two. Okay, just a moment. Excuse me? Sir? Sir, please? Single or couple, sir? Couple? Okay. Could I have the names, please? Raj and Priya. Okay. It is 39,999 rupees, sir. Sir? Can I take the money, sir? Sir, can I take the money, sir? Raj, hey, why are you not ready? Raj, where are the passes, Raj? Raj? मेरे पास पैसे नहीं हैं। Raj? पिल्ले राजा। केवल राजा के नाम से पुकारते हैं लोग। तुम्हारे बंगले के बगल में जो झोपड़पट्टी है ना, मैं वहीं रहता हूं। What? मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं पैसे वाला करोड़पति हूं। ये सब झूठ है, कोई बात सच नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये बात सच है। दाता तूने की है दया, दाता तूने की है दया, कितने ही रूपों में मिलता सबको। हमसे हुई भूल बड़ी, तूने हमें माफ किया, अब ना कभी हम तो करेंगे बनती। माना जीवन तो है एक संघर्ष, माना जीवन तो है एक संघर्ष। जाकर पता करो डॉक्टर कहाँ है। इमरजेंसी है, डॉक्टर राउंड पर गए हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कितनी देर में आ जाएंगे? कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे।
पर्ची बनाई ना मेरे। अरे भैया जरा ये बता देना ये कैसे होगा। अरे रुको यार पर्ची बना लेते हैं। क्या हुआ इन्हें? सरोजा इनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर सरोजा नर्स पीटो ने चाकू मार दिया। क्या हुआ? चाकू से मारा, बहुत खून बह रहा है। चाकू लगा है? पुलिस कंप्लेंट किया कि नहीं किया? पुलिस कंप्लेंट। डॉक्टर एनी प्रॉब्लम? मेडिकल लीगल केस है सर, किसी ने चाकू मारा है। सर सर वो यहाँ मर जाएगी और अब पुलिस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। हाँ मैडम पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, जितना भी पैसा खर्च होगा मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। पैसे की बात नहीं है, ये पुलिस केस है। सर दुनिया में उसका कोई भी नहीं है सर। एक बार भी तुम्हें समझ में नहीं आता, चल जाओ ऐसे। सर मैं जिंदगी भर आपका एहसान जाओ यहाँ से पुलिस कंप्लेंट करो। सर अब क्या हुआ? मैं आपके साथ सोने को तैयार हूँ सर, जितनी बार आप चाहेंगे, लेकिन इसको बचा लीजिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो? पहले पुलिस कंप्लेंट करके आओ। ये सोना है डॉक्टर, इसे रख के मुझे बचा लीजिए। इसका इसका मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। आपको मुरली वाले का वास्ता। नर्स आजकल दुनिया में क्या हो गया देख रहे हो? कैसे कैसे केस आ रहे हैं, कहीं भी बम फट रहा है यार। अब देखो आगे क्या होता है। क्या सिस्टर ड्यूटी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर, लेकिन न्यू ईयर में भी मुझे घर जाने नहीं दिया। ये हमारे मजहब का है, तुम वही रुको। कैसे हो मुजाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर गया उसके बारे में सोचकर रो मत, दूसरों को रुलाओ। थिएटर में, मॉल में, पार्क में, स्टेशन पे हमने बहुत बॉम्ब रखे हैं। अब हमारा टारगेट हॉस्पिटल है। पूरा हॉस्पिटल उड़ गया तो क्या होगा? और तुम एक आम आदमी की जिंदगी जीकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। तुम्हारी आंखों में जो आग है उसे अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अब हम क्या करें लक्ष्मी? अब हमारे पास जहर खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लक्ष्मी पैसे मिल गए। लक्ष्मी पैसा मिल गया, हमारा पंकज बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। दाता तूने की है दया, दाता तूने की है दया, कितने ही रूप में मिलता सबको। हमसे हुई भूल बड़ी, तूने हमें माफ किया, अब ना कभी हम तो करेंगे गलती। मारा जीवन तो है एक संघर्ष, मारा जीवन तो है एक संघर्ष।
अपना नंबर जांच ले। आपके पास और कोई नंबर है? सिर्फ यही नंबर है मेरे पास। या भरत तुम कहाँ पर हो? देर हो रही है। मैं यहाँ थोड़ा, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। I'll be there soon. You don't have much time. You guys come fast, okay? Okay. मुझे एक अर्जेंट काम है, मेरा वहां जाना जरूरी है, हमारा फ्यूचर उसी पे टिका है। प्लीज सर, इनको लेके तीसरे माला पे चले जाइए, लिफ्ट इस तरफ है, जाइए। ओके थैंक्स। से बहुत खतरनाक हैं लोग, नजर रखना इन पे। भरत चलो जल्दी करो, जल्दी करो, संभाल कर। औरत को इस तरह से मत लेके जाओ, यहाँ से नहीं, हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। चलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, जाओ, वहाँ खतरा है, खतरा है वहाँ पे, समझो मेरी बात को। ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सर, मेरी बात मानिए, मेरी बात रुक, वहाँ पे बहुत खतरा है सर, मेरी बात मानिए सर, प्लीज सर, गोली मार दूंगा। भागो, चलो। दरवाजा क्यों बंद करें? संभाल कर, कौन है? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। देखो ये पैसे, पैसे ले लो, ले लो, पैसे ले लो, ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, संभाल कर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। Thank you.
सर मंसूर खान और उसके साथ दो और, पता नहीं कहाँ है वो लोग, किस तरफ जाने? इस तरफ। जल्दी जाओ, चलो चलो सबको लेके जाओ जल्दी। पे मुसलमान कौन कौन है? फल मुसलिमो मन सलिमल मुसलिमूना इल्लिसानी ही वयदी ही फल मुसलिमो मन सलिमल मुसलिमूना इल्लिसानी ही वयदी नसीर
इंसानियत के नाम पे कलंक हो कलंक। खुदा के लिए इन लोगों को छोड़ दो मत। तुम लोग इंसानियत के नाम पे कलंक हो कलंक। जिहाद मुसलमान भाइयों के लिए है। नसीम कैसे मुसलमान हो तुम? देखो मासूम बच्चों और औरतों को मार रहे हो। एक काम करो, इन सब के साथ मुझे भी मार डालो। अल्लाह लाइफ थी। पिता की तरह लोगों की जान बचाई और देश की सेवा की। आराम से। You are real hero. Thanks, mom. Thank you. My son. इनके दादा ने भी आर्मी में काम किया है, इनका बाप भी आर्मी में था। इसने आर्मी में भर्ती ना होकर भी इतने सारे लोगों की जान बचाई और देश का नाम रोशन किया। कहाँ जाना है मैडम? कहाँ जाना है? जहाँ तक ये ट्रेन जाती है वहाँ तक। हम उस अनजान शहर में जाकर कैसे जिंदगी जिएंगे सरोजा? कोई भी काम कर लेंगे दीदी, अपना पेट पालना ही है, चाहे कुछ भी करें। रुक जा सरोजा, उस दिन की बात का बुरा मत मना सरोजा। उस दिन सिचुएशन ही ऐसी थी, हमारे पास हुनर है ना, हम कहीं भी धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। मेरी बात मानो सरोजा। चलो दीदी। सरोजा रुक जाओ, खुद की कंपनी खोलेंगे। हम कितना भी जी लें तो भी जिंदगी का मतलब नहीं जान सकते जितना मौत के करीब जाकर जानते हैं। सुनो तो सरोजा। जाना सरोजा। सरोजा Oh, my God.
कहीं भी जाता था तो मुझे लेकर जाता था और आज मुझे अकेले छोड़कर चला गया। ऐसा क्यों किया? इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मामा। जब कोई मरता था तो उसके लिए तुरंत पहुंच जाता था, लेकिन आज इसके लिए रोने वाला कौन कहता है इसका कोई नहीं है? ये मरा रही है, इसने कितने लोगों को मरने से बचाया है, ये अमर है, अमर रही है। बोलता मर गया हमारा केवल राजा, केवल राजा अमर रहे, केवल राजा अमर रहे, केवल राजा अमर रहे। पंकज कहाँ हो तुम? पंकज दादाजी, दादाजी ये लो अपने पैसे। ये तो 35,000 है, बाकी का 15,000 कौन देगा? बुड्ढे ध्यान से सुन, अगर तुझे तेरा पोता चाहिए तो तुझे मेरे 15,000 रुपए लाकर देने होंगे, तब तेरे पोते को छोड़ूंगा। ए नरसिम्हा अपना मुंह बंद कर, मैंने कह दिया ना लूटना बंद कर। ए मुझसे इज्जत से बात कर, तू हिसाब देख ले। मैं हिसाब नहीं जानता, मुझे मेरे 15,000 रुपए लाकर दे और अपने पोते को लेकर जा, समझा? दादाजी मुझे हिसाब आता है, आपने कितने पैसे लिए थे? 50,000 रुपए में 2 रुपए ब्याज के हिसाब से 30 महीने का कितना होगा? 30 महीने का 15 × 30,000 रुपए, 30,000 रुपए दादाजी। 5,000 ज्यादा है, ले जा रहा हूँ, चलो। मालिक उसे जाने क्यों दिया? ए, उसने सारा हिसाब बिल्कुल सही तरीके से समझाया, उसे पढ़ने दो, खूब पढ़ने दो उसे। कभी हम तो करेंगे गलती।